नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण प्रजापति सुपर टेन एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज सुपर टेन एकेडमी में अपन पढ़ेंगे सुपर टिक्स, और सुपर टिक्स में पढ़ेंगे यूनिट डिजिट इकाई अंक। इकाई अंक करने से पहले थोड़ा सा अपन बेसिक समझते हैं कि इकाई अंक होता क्या है। जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है, तो जैसे ये लिखा है 1736। अब जब अपन राइट हैंड से देखें तो जो पहला शब्द है, पहला जो अंक है, वो क्या होता है? इकाई अंक होता है। बस क्वेश्चन में जोड़ घटाव मल्टीप्लाई डिवाइड करके इकाई अंक पूछते हैं, और इकाई अंक निकालने की आज ट्रिक्स अपन पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है शुरुआत के लिए। अब इसमें अपन को इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक यदि निकालना है तो इसमें यदि हम मल्टीप्लाई करें 16 का 14 में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 224 आएगा। अब इकाई अंक से हमें केवल मतलब है। तो ये दो जो लिखे हैं ढाई पर है, अगले वाले दो लिखे हैं वो सैकड़ा पर है। हमें केवल इकाई अंक से मतलब है। तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स इसमें ये बना सकते हैं, हमें इकाई अंक से मतलब है तो इकाई अंक का मल्टीप्लाई इकाई अंक से ही करें। तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा 6 चौक 24, और 24 में इकाई अंक अपना केवल 4 है। हमें इसी 4 से मतलब है, बाकी संख्या से हमें मतलब नहीं है। तो हम इकाई अंक का मल्टीप्लाई इकाई अंक में ही करेंगे और अपना आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 756 784 732, हमें इसमें इकाई अंक निकालना है। तो दोस्तों हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है कि हम पूरी संख्याओं का मल्टीप्लाई करें, हमें केवल इकाई अंक से मतलब है और हम केवल इकाई अंक का मल्टीप्लाई इकाई अंक में करेंगे। जैसे यहाँ पर इकाई अंक 2 है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो कितना हो गया अपना 8, 2 चौक 8। और ये इकाई अंक है इसलिए इसका मल्टीप्लाई 8 का 6 में करेंगे तो अपना आंसर आएगा 48। और इस 48 में केवल हमें 8 से मतलब है, इसलिए हम केवल इकाई अंक इसमें क्या बताएंगे, 8 बताएंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 540 × 433, तो दोस्तों इसमें तो हम देखते बता सकते हैं कि कभी भी यदि 0 आ जाए मल्टीप्लाई में तो इकाई अंक हमेशा 0 हो जाता है। वो कैसे होगा देखते हैं। जब हम 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो यहाँ पर इकाई अंक अपना आएगा 0, और 0 का मल्टीप्लाई हम किसी भी संख्या में आएंगे, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, यदि हम 0 का मल्टीप्लाई कितनी भी बड़ी संख्या में करें इकाई अंक चेंज नहीं होगा, इकाई अंक वहीं का वहीं रहेगा। इसलिए कभी भी 0 यदि आ जाए मल्टीप्लाई में और इकाई अंक पूछे तो अपना इकाई अंक का आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। जैसे अगला क्वेश्चन ये लिखा है 531 × 833 × 555। तो दोस्तों इसमें एक शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती है, जब भी 5 इकाई अंक है और 5 इकाई अंक का मल्टीप्लाई विषम संख्याओं के साथ हो तो इकाई अंक अपना 5 ही रहेगा, 5 ही रहेगा। देख लेते हैं, जब हम 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, 3 के साथ करेंगे तो 15 आएगा, 15 आएगा, जिसमें इकाई अंक है 5। फिर इस 5 इकाई अंक का विषम संख्या के साथ फिर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। तो इसमें शॉर्टकट अपना बनता है, जब इकाई अंक 5 है और विषम संख्याओं के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो अपना आंसर आएगा 5। अर्थात विषम संख्याओं के साथ जब भी 5 का मल्टीप्लाई हो तो आंसर कितना आएगा इकाई अंक पे, 5 आएगा। यदि विषम संख्याओं की जगह पे मैं सम संख्या यहाँ पर कर दूँ, सम संख्या, जैसे यहाँ पर मैंने 4 कर दिया, यहाँ पर 2 कर दिया, तो 5 का मल्टीप्लाई यदि सम संख्याओं के साथ हो जाए तो आंखें बंद करके आंसर उसका 0 ही देना है, क्योंकि जब भी 5 का मल्टीप्लाई सम संख्याओं के साथ होगा तो इकाई अंक पे 0 आ जाएगी। जैसे 5 × 10, तो इकाई अंक पे यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। पर इस 0 का मल्टीप्लाई हम सम संख्या के साथ करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, आंसर 0 ही आएगा। तो पूरे मल्टीप्लाई में यदि 5 के साथ कहीं भी सम संख्या के साथ गुणा हो जाए तो इकाई अंक पे हमेशा 0 आएगा,
और यदि विषम संख्या है 5 के साथ तो इकाई अंक पे हमेशा 5 आएगा, तो इसका ये शॉर्टकट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो इकाई अंक होंगे घातांक पे आधारित होंगे। इकाई अंक अब अपन पढ़ने जा रहे हैं घातांक पर आधारित, घातांक पर आधारित इकाई अंक। जैसे एग्जांपल मैंने ये बोला 3 की पावर 42। अब इसका इकाई अंक क्या होगा? यहां पर 3 की पावर 42 है, हम कैसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 कितनी बार करेंगे, 42 बार लिखेंगे। लेकिन इतना समय लिखने के बाद फिर मल्टीप्लाई करें तो दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम की खपत होगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यदि हम इसी क्वेश्चन को बार बार लिखें इसी प्रकार से और फिर मल्टीप्लाई करें तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उससे बेटर है कि यहाँ पर घात कितनी भी हो 4 से भाग दे देना चाहिए। 4 से भाग देने पर जो शेष फल बचेगा, 4 से भाग देने पर जो शेष फल बचेगा वही इस अंक की पावर लगा देंगे, जो भी बचे। 4 से भाग देना है घातांक में और 4 से भाग देने पर जो भी शेष फल बचेगा ये संख्या की जो आधार के रूप में संख्या है, व्यस के रूप में संख्या है, शेष फल के रूप में लिख देंगे और फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर 3 × 3 यहाँ पर इकाई अंक कितना होगा दोस्तों, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि दोस्तों यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो अगले क्वेश्चन से बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। 432 की होल पावर 431। तो दोस्तों यहां पर 3 अंक घातांक के रूप में हैं। अब अपने अपन को 4 से भाग देना है तो 4 से भाग तीनों अंक में भी दे सकते हैं और इससे भी शॉर्टकट ये हो सकता है कि हम केवल 2 अंक में ही 4 से भाग दें, क्योंकि 4 से विभाजित नियम जो मेरी पिछली वीडियो आप देखोगे, 4 से विभाजित नियम आपने पढ़ा होगा, तो अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। इसलिए हम यदि 4 से विभाजित करें तो हम केवल 2 संख्याएं बची हुई स्टार्टिंग लास्ट की 2 संख्याओं को 4 से विभाजित करें और जो शेष फल बचेगा ये इकाई की पावर चढ़ा देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो इसमें इकाई अंक क्या होगा, मैं इकाई अंक अंक ज्ञात करना है तो हम केवल 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पे हमें पता है शेष फल कितना आएगा, 3, तो 2 की पावर 3 लिख देंगे और यहां पर आंसर कितना होगा, 8। ठीक है तो दोस्तों इसमें अपना आंसर कितना होगा, 2 की पावर 3 8। पूरी संख्या में भी यदि 431 में भी आप भाग देते तो अभी शेषफली 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 537 की होल पावर 4, 3, 2, 1, 5, 2 और 1। तो इतने बड़ी घात में, इतनी बड़ी घात में यदि अपन 4 से भाग देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उससे बेटर है कि अपन अंत घात के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दे दो। जो शेष फल आएगा आप पूरी घात में भाग दोगे, वही शेष फल अंतिम 2 अंक में भाग देने पर आएगा। इसलिए अंतिम 2 अंक में यदि अपन 4 से भाग देंगे तो शेष फल यहाँ पर कितना हुआ, 1, और जो 1 शेष फल है वो इस इकाई अंक की पावर लिख देंगे और अपना इकाई अंक आ जाएगा। 7 का गुणा 1 बार करेंगे तो आंसर इकाई अंक कितना आएगा, 7 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन में अपन सुपर ट्रिक लगाएंगे और सुपर ट्रिक है यदि इकाई अंक पर 0, 1, 5, 6 है, 0, 1, 5, 6 इकाई अंक पर, तो उसकी घात कितनी भी हो, इन अंक की घात कितनी भी हो, इकाई अंक वहीं का वहीं रहेगा। यदि इकाई अंक पर 0, 1, 5, 6 है तो यदि
इकाई अंक 0156 है और उसकी घात पावर कितनी भी हो इकाई अंक वही का वही होगा। एग्जाम्पल, इसकी पावर 436 कर दो, आप जितनी पावर चाहें उतनी कर दो, 436, 432, एक जितनी आप पावर चाहते हो उतनी पावर इस पर लगा दो। तो यहाँ पर यदि हम चार से भाग दें, अंतिम दो अंक में चार से भाग दें, तो शेष फल कितना होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, एक। और जीरो की पावर एक हो या कितनी भी घात हो, शेष फल जीरो की पावर कितनी भी हो, इकाई अंक जीरो ही रहेगा। जीरो की घात कितनी भी हो, इकाई अंक पर इफेक्ट नहीं होगा, इकाई अंक वहीं का वहीं ही रहेगा। तो अपना आंसर कितना आएगा, जीरो। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यहाँ पर मैं जीरो की जगह पे वन कर दूँ, घात आप चाहते हो कि चेंज कर दें, चलो चेंज कर देता हूँ, थ्री मैंने घात कर दी। यदि मैंने यहाँ पर घात थ्री कर दी तो शेष फल कितना आएगा, यहाँ पर शेष फल आएगा थ्री। तो एक की पावर वन की पावर थ्री, यहाँ पर शेष फल है रिमाइंडर वन की पावर थ्री। और वन को हम कितनी भी बार लिखें, वन का वन ही रहेगा, ये बात नोट कर लें। इसी प्रकार से एक का रूल समझ गए, जीरो का समझ गए, अब मैं इस जगह पे फाइव ले लेता हूँ। इस क्वेश्चन में यदि मैंने इस जगह पे फाइव ले लिया और यहाँ पर घात कितनी भी हो, चार से मुझे अंतिम दो अंक में भाग देना है, तो चार से यदि मैंने अंतिम दो अंक में भाग दिया तो पाँच की पावर यहाँ पर कितना आएगा, तीन। और पाँच की पावर तीन हम किस प्रकार से लिखेंगे, पाँच इंटू पाँच इंटू पाँच, तो इक्वल करके अपना आएगा 125। तो इकाई अंक कितना रहेगा, पाँच। इसी प्रकार से यदि मैं इस जगह पे छः कर देता हूँ बाई चांस, तो छः करने पे इकाई अंक कितना होगा, छः। और छः की पावर हम तीन बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा इकाई अंक, देखते हैं, छगनक 36, 36 में इकाई अंक 6, फिर 6 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करें तो इकाई अंक कितना होगा, 6 ही रहेगा। अर्थात इकाई अंक पर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए और घात कितनी भी हो, इकाई अंक वहीं का वहीं रहेगा। आंखें बंद करके अपन आंसर बता सकते हैं चुटकियों में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट रूल्स है दोस्तों, चार की घात इकाई अंक जब चार है, इकाई अंक चार की घात इकाई अंक नौ की घात, यदि चार की घात या नौ की घात विषम है, विषम ऑड, तो इकाई अंक तो इकाई अंक वही का वही रहेगा, रहेगा। दोस्तों एक बार और, यदि चार की घात इकाई अंक
चार है और उसके घात विषम है, या फिर इकाई अंक नौ है और उसके घात विषम है, तो इकाई अंक वहीं का वहीं रहेगा। ये बात नोट कर लें, अभी सिद्ध करते हैं। इसके अलावा यदि इकाई अंक, चलो पहले उसे सिद्ध कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल, चार की पावर मैंने एक लिखा, विषम घात है, तो यहाँ पर कितना रहेगा? एक, चार। चार की पावर तीन लिखा मैंने, तो यहाँ पर इकाई अंक वहीं का वहीं रहेगा। देखते हैं, चार चौक सोलह, सोलह में छः इकाई अंक, छः का मल्टीप्लाई चार के साथ करेंगे, छः चौक चौबीस, इकाई अंक चार का चार। चार की पावर फिर मैंने विषम लिया पाँच, तो चार की पावर पाँच विषम है, तो इसे कैसे लिखेंगे? चार गुणा चार गुणा चार गुणा चार गुणा चार गुणा चार। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि चार से भाग देना, तो चार की पावर एक बचेगा, या फिर मल्टीप्लाई करके देख लें कि चार चौक सोलह, चार चौक छः चौक चौबीस, चार चौक सोलह और छः चौक चौबीस, तो चौबीस में इकाई अंक चार है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, घात यदि चार से ज़्यादा आ जाए तो चार से भाग दे दो, भाग देने पर शेषफल यहाँ एक है, तो चार की पावर एक, इकाई अंक कितना रहेगा? चार। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट करते हैं अपन नौ की घात विषम के साथ। तो यहाँ पर नौ की घात विषम, सबसे छोटी विषम संख्या एक है। अब नौ की पावर एक, तो यहाँ पर इकाई अंक अपना कितना आएगा? नौ आएगा। अगली विषम संख्या अपन ने नौ की जगह, नौ की घात एक की जगह तीन ले लिया, विषम घात तीन ले लिया, तो यहाँ पर हम किस प्रकार से लिखेंगे नौ की पावर तीन को? नौ इंटू नौ इंटू नौ, तो यहाँ पर इकाई अंक कितना आएगा? नंबर नंबर इक्यासी, इक्यासी में इकाई अंक एक, और एक का मल्टीप्लाई हम नौ के साथ करेंगे, तो कितना आएगा इकाई अंक? नौ ही आएगा। अब नेक्स्ट जो विषम घात है पाँच ले लेते हैं, तो नौ की पावर पाँच चार से भाग दे दो, तो यहाँ पर नौ की पावर एक बचा, तो इकाई अंक क्या है अपना? नौ है। अर्थात समझने वाली बात यह है कि नौ हो या फिर चार हो, उसकी घात यदि विषम है तो इकाई अंक वही का वही आएगा। ये बात नोट कर लें। अब यदि घात विषम की जगह सम हो जाए, घात विषम की जगह सम हो जाए, इवन, सम इवन, तो थोड़ी सी बात याद रखने लायक है। जब चार के घात सम है तो इकाई अंक छह आएगा, और जब नौ की घात सम है तो इकाई अंक एक आएगा। अंक, इकाई अंक, ये बात नोट कर लें दोस्तों कि यदि चार की घात सम है तो इकाई अंक छह आएगा, और यदि नौ की घात सम है तो इकाई अंक एक आएगा। सिद्ध करके देखते हैं। चार की पावर सम, सबसे छोटी संख्या, याद रखने के लिए हमें सबसे छोटी सम संख्या लेना चाहिए, तो यहाँ पर सबसे छोटी सम संख्या कितनी है? दो। तो चार की पावर दो को हम कैसे लिखेंगे? चार गुणा चार, फोर इंटू फोर इक्वल टू सिक्सटीन, तो इकाई अंक कितना आया? छः। इकाई अंक कितना रहेगा यदि चार की घात सम है? छः रहेगा, जो कि दोस्तों अपना आ चुका है। नेक्स्ट, यदि चार की पावर मैंने चार लिख लिया, तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जब हम इसे, चलो दोस्तों इसे थोड़ा देर से समझें, लेकिन इसे अभी बेसिक से समझ लेते हैं कि पूर्णतः यदि चार से विभाजित हो जाए तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे थोड़ी देर से समझते हैं, अभी बेसिक तौर पर समझ लेते हैं। फोर इंटू फोर इंटू फोर, तो यहाँ पर क्या अपनी इकाई अंक छः आ रहा है क्या? देखते हैं, चार चौक सोलह, इकाई अंक है अपना छः, फिर छः का मल्टीप्लाई हम चार में करेंगे, तो इकाई अंक यहाँ पर कितना आएगा? चौबीस, इकाई अंक आएगा अपना चार,
और चार का मल्टीप्लाई फिर चार के साथ करेंगे तो यहाँ पर इकाई अंक आ जाएगा अपना छः। एक बार और, जब चार का मल्टीप्लाई चार के साथ किया तो 16 में इकाई अंक 6 आ गए, फिर 6 का मल्टीप्लाई 4 के साथ किया तो 24 में इकाई अंक 4 आ गए, और 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ किया तो 16 में इकाई अंक अपने 6 आ गए। इस प्रकार से आपने देखा कि यदि घात सम है तो इकाई अंक 4 के साथ 6 आएगा। अब समझते हैं 9 के साथ सम घात है तो वहां पर इकाई अंक 1 कैसे होगा, देखते हैं। तो यहाँ पर 9 है और 9 की घात यहाँ पे सम करना है तो सबसे छोटी संख्या सम है अपनी 2। यहाँ पर 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 × 9 बराबर 81, तो इकाई अंक कितना है दोस्तों 4। नेक्स्ट 9 की पावर मैंने यहाँ 4 किया तो हम कैसे लिख सकते हैं, 9 × 9 × 9 × 9, तो यहाँ पर इकाई अंक कितना होगा दोस्तों, इकाई अंक नंबर 81, 81 में इकाई अंक 1, 1 का मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे तो 9, और 9 का मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे तो 81 आएगा, और 81 में इकाई अंक है अपना 1। इसी प्रकार से यदि 9 की पावर में 6 ले लूं तो यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो 9 की पावर 2 बचेंगे, और 9 की पावर 2 को हम कैसे लिखेंगे, 9 × 9 बराबर 81, और इकाई अंक कितना रहेगा 1। तो समझने वाली बात दोस्तों ये है कि यदि 9 है और 9 की पावर सम है तो इकाई अंक हमेशा 1 रहेगा 9 के साथ, और 4 के साथ यदि घात सम है तो इकाई अंक हमेशा 6 रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे बस एक छोटा सा कंफ्यूजन है जो अपन को दूर करना है। यदि वाई चांस घात यदि पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे 4 332 है और 332 की पावर यहाँ पर मैंने 332 ही कर दिया सपोज करो, तो यहाँ पर यदि मैं 4 से विभाजित करूँ अंतिम 2 अंक को तो शेष फल मेरा 0 आएगा, तो मैं लिखूँगा क्या 2 की पावर 0, और किसी भी ये रूल है किसी भी संख्या की पावर 0 होती है, यहां पर आंसर अपना गलत है। अब इसका क्या तरीका है, यदि पूर्णतः विभाजित हो जाए 4 से अंतिम 2 अंक तो सबसे छोटी घात हमें सबसे छोटी पावर हमें 4 मानना होता है। जैसे इकाई अंक यहां पर 2 है तो 2 की सबसे छोटी घात यदि पूर्णतः विभाजित है 4 से तो सबसे छोटी घात हमें 4 मानना होगा, ये बात नोट कर लें। जब यदि यहां पर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए शेषफल कुछ भी नहीं बचे तो हम शेषफल 4 मानते हैं, ये बात नोट करना है। अब इसे बेसिक तरीके से तोड़ना होगा और अपना आंसर आ जाएगा। तो यहां पर अपना आंसर कितना आएगा 4 × 4 = 8, 8 × 16, 16 में इकाई अंक कितना है 6। तो दोस्तों ये गलती जरा भी ना हो, जब भी यदि पूर्णतः विभाजित हो जाए तो शेष फल 0 नहीं मानेंगे, उसकी जगह पे अपन सबसे छोटी घात 4 मानेंगे, यदि ये माना तो अपना आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, और बाकी तो रूल्स 4 से विभाजित के लगेगा, आप एक बार को ट्रिक भूल जाए लेकिन 4 से विभाजित रूल से नहीं भूलें, क्योंकि 4 से विभाजित रूल सभी जगह अप्लाई होगा। बीमारी चाहे कोई सी भी हो, रामबाण इलाज है, बीमारी कोई सी भी हो, दवा एक ही 4 से विभाजित रूल्स की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन पे जो कि कई परीक्षाओं में आए हुए हैं, और यदि अभी तक की वीडियो आपने देखी है तो ये वीडियो आपके लिए इतनी हेल्पफुल रहेगी कि आप चुटकियों में आंसर बता देंगे, जाना से आना 2 से 3 सेकंड। देखते हैं क्वेश्चन पे। 486 की होल पावर 98, 349 की होल पावर 95 गुणा 243 की होल पावर 85 में इकाई अंक क्या होगा, मैं इकाई अंक
दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसका इकाई अंक अपन को प्राप्त करना है। हमें पता है जैसा कि रूल्स के अकॉर्डिंग यदि इकाई अंक पर 0156 है, इकाई अंक पर 0156 है, घात कितनी भी हो इकाई अंक वही का वही रहेगा। मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई लगाएंगे, इसके अलावा 9 है और घात यदि विषम है तो विषम में इकाई अंक वही का वही रहेगा, सम होता तो एक लिखते। 3 है इसके लिए 2, 3, 7, 8 इसमें तो 4 से विभाजित का रूल लगाना है। वाई चांस आप ट्रिक भूल जाते हैं, तो 4 से विभाजित का रूल लगाएं, 4 से विभाजित का रूल सभी जगह अप्लाई होगा। तो हम यहां पर 4 से विभाजित करते हैं तो शेष फल अपना 1 आएगा और 3 की पावर 1 कितना होगा, 3 ही रहेगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 27 में यूनिट डिजिट 7 है और 7 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 42 और 42 में इकाई अंक अपना कितना है 2। तो अपना इकाई अंक यहां पर आया है दोस्तों 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीन सौ नवासी की होल पावर 98 मैं इकाई अंक। तो दोस्तों जैसा कि हमें मालूम है बस यहाँ पर प्लस की जगह मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर दिया है, बाकी तो रूल्स के अकॉर्डिंग है। इकाई अंक पे 0156 आए, घात कितनी भी हो हमें इकाई अंक वही का वही लिखना है। वाई चांस यदि भूलते हैं तो हमें रामबाण इलाज 4 से विभाजित रूल्स तो सभी जगह लगेगा। फिर प्लस है प्लस लगा दो, 0156 है इकाई अंक पे और घात कितनी भी हो इकाई अंक वही का वही रहेगा। 9 है और 9 के साथ यदि घात विषम है तो वही की वही आएगा अंक 9 और यदि 9 के साथ घात सम है तो इकाई अंक पर 1 आएगा, जो कि अपन ने पहले वीडियो में समझ लिया है। अब सभी को जोड़ देंगे तो जोड़ने पे कितने हो रहे हैं 12 और 12 में इकाई अंक कितना है 2। तो यहां पर दोस्तों इकाई अंक कितना आ गया अपना 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में, यदि आपको आंसर मिल गया तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में जरूर करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। 349 की होल पावर 65 प्लस 243 की होल पावर 97 प्लस 256 की पावर होल पावर 68। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो समझ में आई तो मैं उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ये आपके लिए होमवर्क के रूप में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 343 की होल पावर 85 माइनस 125 की होल पावर 25। 3 है 4 से भाग देना है, 2, 3, 7, 8 का रूल्स तो हमें 7 से 4 से भाग दे के ही निकालना है, बाकी के रूल्स हैं वाई चांस अपन रूल्स भूलते हैं ट्रिक्स भूलते हैं, तो 4 से विभाजित का नियम सभी में अप्लाई होगा। यहां पर हमने 4 से भाग दिया शेषफल 1 बचेगा और 3 की पावर कितना हो गया 1। अब माइनस है तो माइनस लगा दिया, 4 से भाग दिया शेषफल 1 बचेगा और वैसे भी रूल्स पता है कि 0156 है इकाई अंक पर, घात कुछ भी हो हमें आंसर में 5 की 5 देना है। लेकिन यहां पर दोस्तों अब गलती हो सकती है, 3 में से यदि 5 जाएंगे तो कभी भी निगेटिव में इकाई अंक होता ही नहीं है, तो यहां पर आंसर
ऑप्शन ही नहीं मिलेगा माइनस दो, और यदि ऑप्शन मिलता है माइनस दो जो कि गलत होगा, और कभी भी इकाई अंक नेगेटिव होगा नहीं, तो दो आंसर नहीं है तो क्या होगा। तो इसके लिए हमें ये बात नोट करना है, जब भी आपका आंसर माइनस में आए तो इस जगह पे छोटी वाली संख्या पे आप एक से लेके नौ तक कोई सा भी अंक मान लेंगे, एक से लेके एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, एक से लेके नौ तक आपको जो संख्या मानना है अनुसार हम छोटी ही संख्या मानेंगे, क्योंकि यहां पर छोटी संख्या रखने पे कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। इस वजह से यहां पर 13 में से यदि 5 जाएंगे इकाई अंक कितना होगा 8। दोस्तों आपको यदि ये लगता है कि मैं यहाँ पर एक की जगह पे अदर कोई संख्या मानूं, जैसे एक की जगह पे दो मानूं, तो दो मान सकते हैं तो अभी आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर दो माना तो ये 23 हो गए, 23 में से यदि 5 जाएंगे तो यहाँ पर 18 बचेंगे, और 18 में भी इकाई अंक क्या होगा 8। तो आपने देखा कि आपको यहाँ पर जो संख्या मानना है वो मान सकते हैं, आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा, आज हमने सीखा कि इकाई अंक कैसे प्राप्त करती हैं, और भिन्न तरह के क्वेश्चन अपने परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन अपने किए हैं। यदि आपको लगता है कि वीडियो आपको यदि अच्छी लगी, प्लीज़ 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 लाइक शेयर और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना जरा भी ना भूले, जिससे कि अगली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।